बचपन से कहानियों में पढ़ते देखते और सुनते आए हैं कि जब सब कुछ गलत हो जाता है या वो नहीं हो रहा होता जो कहानी के अच्छे कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, तो एक प्रिंस चार्मिंग या फेरी गॉड मदर या कोई और आकर एक जादुई छड़ी से सब ठीक कर देता है। लेकिन अफसोस कि जिंदगी में हम खुद को अच्छा कैरेक्टर तो समझ लेते हैं, मगर वो जादुई छड़ी किसी और के पास नहीं होती। अगर हालात तब्दील करने हैं तो किसी और के इंतज़ार में बैठे रहना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब तक हम खुद अपनी ज़ात में मुतहर्रिक होकर अपने मसाइल के हल के लिए कोशा नहीं होंगे, कुछ तब्दील नहीं हो सकता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और ये तब्दीली कुछ वक्त मांगती है, कुछ मशक्कत और कुछ प्लानिंग। यानी ये समझें कि अगर आग लगी हो तो आप सिर्फ आग बुझाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त खड़े होकर उसकी वजह दरियाफ्त नहीं करते। लेकिन अगर आपने इस फौरी एक्शन के बाद उस असल वजह को ना खोजा और उस पर काम ना किया, तो फिर जिंदगी भर फायर फाइटिंग ही होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि मसले की जड़ को पहचाने, और वो भी इल्जामात की सूरत में नहीं, अपनी इस्तेताअत में देखें कि क्या फर्क हो सकता है। यकीनी तौर पर आप अपनी जिंदगी के लिए वो जादू की छड़ी पालेंगे। सीखिए, क्योंकि हम हर उम्र में सीख सकते हैं अगर हम चाहें।